सबसे पहले तो गार्डन के इस हिस्से में अगर कुछ हर्ब्स लगे हैं तो उन्हें मैं निकाल कर हर्ब गार्डन वाले हिस्से में डालने वाली हूँ। ये सेलरी का पौधा है। अगर आपने गेट माय हार्वेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। अब ये हार्ट वाला प्लांटर बहुत देर से खाली पड़ा है, आज इसमें भी सकुलेंट्स लगा लूंगी। सकुलेंट मिक्स के लिए 50% गार्डन सॉइल, 30% कंस्ट्रक्शन वाली रेत और 20% परलाइट। अगले वीडियो में शाउट आउट के लिए पहला सवाल ये है कि बूझिए ये कौन सी सब्जी है। सफेद तन हरी पूंछ, ना बूझे तो नानी से पूछ। अपना नाम और शहर भी उत्तर के साथ लिखिएगा। जी हाँ, इस वक्त मैं हूँ गेट माय हार्वेस्ट के हर्ब गार्डन में और आज मेरा प्लान है कि हर्ब गार्डन का ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं इसे मैं कन्वर्ट करूं एक सकुलेंट गार्डन में। तो साथ में करेंगे। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माय हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं कि सब बढ़िया है। अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम सकुलेंट गार्डन सेटअप करने वाले हैं, साथ में गार्डनिंग टिप्स भी दूंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गार्डन के इस हिस्से में अगर कुछ हर्ब्स लगे हैं तो उन्हें मैं निकाल कर हर्ब गार्डन वाले हिस्से में डालने वाली हूँ। ये सेलरी का पौधा है। अगर आपने गेट माय हार्वेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। अब ये हार्ट वाला प्लांटर बहुत देर से खाली पड़ा है, आज इसमें भी सकुलेंट्स लगा लूंगी। सकुलेंट मिक्स के लिए 50% गार्डन सॉइल, 30% कंस्ट्रक्शन वाली रेत और 20% परलाइट। अगले वीडियो में शाउट आउट के लिए पहला सवाल ये है कि बूझिए ये कौन सी सब्जी है। सफेद तन हरी पूंछ, ना बूझे तो नानी से पूछ। अपना नाम और शहर भी उत्तर के साथ लिखिएगा। अभी टाइम आ गया है कि पिछली वीडियो में जो सवाल पूछे थे उनके जिन्होंने सही जवाब दिए उन्हें शाउट आउट दिया जाए। तो जवाब थे लौकी। जब वो हमारी माँ होती हैं, टाइम टेबल, वेजिटेबल, पीरियोडिक टेबल या मैथ्स का टेबल, इसमें से कुछ भी करेक्ट गिना जाएगा। तो अभी कुछ नामों को शाउट आउट देती हूँ मैं। मनप्रीत तरन तारण से, प्राची वाराणसी से, रूबीना इम्तियाज तमिलनाडु से, विनय गोयल ग्वालियर से। बहुत बहुत बधाई हो, आपने बिल्कुल सही जवाब दिए। यहाँ है पत्थर चट्टा का पौधा। इसके साथ जो पत्तियों में से छोटे पौधे निकल आए हैं उन्हें अलग कर रही हूँ। ये भी सकुलेंट है इसलिए यही लगेगा। ये है एलिफेंट बुश या जेड बटन प्लांट की वेरिएटेड वैरायटी, मतलब व्हाइट और ग्रीन कलर के रंग है इसके अंदर। जेड की देखभाल के बारे में डिटेल्ड वीडियो कर चुकी हूँ, ऊपर लिंक दे रही हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी, नहीं देखा तो देख लीजिए। क्या आप जानते हैं कि सकुलेंट्स पेस्ट रेजिस्टेंट पौधे हैं, यानी इन्हें कीड़े या बीमारियां इतनी आसानी से नहीं लगती, लेकिन इन्हें मारा जा सकता है बहुत आसानी से अगर जरूरत से ज्यादा पानी दे दिया जाए। हर बड़ी वीडियो के साथ एक शॉर्ट वीडियो भी रिलीज करती हूँ, तो सकुलेंट्स की देखभाल के बारे में भी अभी एक शॉर्ट वीडियो रिलीज किया है, उसका लिंक भी ऊपर दे रही हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी। उस शॉर्ट वीडियो में मैंने टिप्स बताए हैं सकुलेंट्स की देखभाल करने के बारे में। ऐसे वाले क्यूट से प्लांटर्स भी है मेरे पास और इनमें जो पौधा सबसे ज्यादा चलता है ना वो है ये हॉवर्थिया। इसके अंदर ही इसके देखो कितना घना हो रहा है और भी प्लांट्स आ रहे हैं। तो ये वाले प्लांटर्स में भी बहुत से हैं मेरे पास, इनमें भी मैं अभी लगाने वाली हूँ कुछ हार्डी प्लांट्स। अब देना चाहती हूँ शाउट आउट परिवार के कुछ और मेंबर्स को जिन्होंने पिछले वीडियो में सही जवाब दिए थे। मोनिका पंचकुला से, रितु जैन दिल्ली से, अंजुम बानो कलकत्ता से, किरण पानीपत से और गायत्री धकरियाल, बहुत बहुत बधाई हो। तीन अक्षर का शहर हूँ, विश्व में प्रसिद्ध हूँ, अंत कटे तो आग बन जाऊं, मध्य कटे तो आरा कहलाऊं। कौन सा शहर है? यहाँ पर मैंने हॉवर्थिया का एक पौधा लिया है और छोटे वाले प्लांटर में लगा रही हूँ इस तरह से। एक बात का खास ध्यान रखना है, सकुलेंट्स इंडोर प्लांट्स नहीं है, बिना लाइट के नहीं रह सकते, इन्हें लाइट चाहिए और पानी भी चाहिए। ये मत सोचिए कि पानी ही नहीं देना। इतना सस्ता और कहाँ सौदा मिलेगा? बीज दो जमीन को पौधा मिलेगा, सच है ना? एक बीज से पौधा मिलता है और फिर उस पौधे में इतने सारे बीज आ जाते हैं। अब जो सकुलेंट गार्डन की सेटिंग की थी वो दिखा रही हूँ। ये गुलाबी फूल जो आप देख रहे हैं ये रैनुनकुलस का फूल है। एक गमले में 4-5 फूल आ जाते हैं, बहुत से रंगों में आता है और आजकल बहुत प्यारा लगता है। ये ब्रोकन पॉट गार्डन है, आपने वीडियो नहीं देखा था तो देख लीजिए, टूटे हुए गमलों से बहुत सुंदर गार्डन बनाया जा सकता है। यहाँ ये टेरेरियम बनाया है। और थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ असफलता के बारे में, क्योंकि असफल होने से बहुत लोग डरते हैं। क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने
बहुत बड़ी उम्र तक बोलना नहीं शुरू किया था। 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बोला था और 9 साल की उम्र में जाके उन्होंने पूरी तरह बोलना शुरू किया था। तो उनके माँ बाप परेशान रहते थे और उनके टीचर्स ने भी ये कहना शुरू कर दिया था कि आइंस्टाइन अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि एक सफलता के पीछे असफलताओं की कतार होती है। अच्छा, तीसरा सवाल ये है शाउट आउट के लिए कि ये पीला पीला क्या सूख रहा है यहाँ धूप में? ऐसा दिखता है हर्ब गार्डन और सकुलेंट गार्डन हमारी छत से। असफलता का मौसम सफलता का बीज बोने के लिए सबसे अच्छा समय है। जो भी बीज गर्मियों के लिए बोने हैं उनके बारे में अगले फ्राइडे वाले वीडियो में बताऊंगी। अगर बागवानी गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ एक वीडियो आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और देखिए। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए।